बच गया बिग बॉस 16 का बिगुल। ग्रैंड प्रीमियर से पहले मुंबई में हुआ बिग बॉस 16 का ग्रैंड लॉन्च। शो के पहले कंटेस्टेंट के चेहरे पर से हटा पर्दा। दूर हुई सलमान की फीस की कंफ्यूजन। रूमर्ड अमाउंट इट इज 1000 crores। ओके, अगर मुझे ये मिल जाए ना तो मैं लाइफ में नहीं काम करूँ। टीवी के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस चंद दिनों का इंतजार और फिर बिग बॉस अपने कंटेस्टेंट्स के साथ खेलेंगे खेल। बिग बॉस के 16वें सीजन के आगाज का इंतजार तो उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंड प्रीमियर से पहले बीती रात बिग बॉस के 16वें सीजन का ग्रैंड लॉन्च किया गया, जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो से कम एंटरटेनिंग नहीं था। मस्ती, धमाल, मजाक, नाच गाना और ढेरों खुलासे। बिग बॉस 16 का लॉन्च ऐसा था तो सोचिए आने वाला सीजन कैसा होगा। वेल, वो इंतजार भी जल्द ही खत्म होगा, लेकिन उससे पहले आपको बिग बॉस 16 की हाइलाइट्स दिखाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बिग बॉस के बिग होस्ट सलमान खान ने पूरे स्वैग के साथ इवेंट में एंट्री की। और आप सब लोगों को हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल केम छो कसकाय केड़ो हाल है केमो नाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस। इसके बाद शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला। तो सबसे पहले सलमान ने उठाया शो के पहले कंटेस्टेंट के चेहरे पर से पर्दा। सोशल मीडिया की दुनिया में छोटे भाईजान के नाम से मशहूर और कजाकिस्तान के फेमस सिंगर अब्दुल राजिक को सबसे पहले मिला है बिग बॉस के घर में एंट्री करने का टिकट। आई लव इंडिया, आई लव पीपल, आई लव फूड इंडिया, वरापा पुर्की, इंडियन पुर्की, आई लव। You know what happens in Big Boss house? Yes, more drama, loving, gaming, cleaning, cooking. Romance. Yes, more girls. Drama. No, romance. Drama is different. Drama, first romance, then sets in drama. Yes. Yeah. खास बात तो ये है कि अब्दुल राजिक सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी नजर आने वाले हैं, यानी अब्दुल राजिक की तो लॉटरी लग गई है। फिर शुरू हुआ गौहर के सवालों और सलमान के जवाबों का सिलसिला। तो सबसे पहले सलमान ने अपनी भारी भरकम फीस का कंफ्यूजन दूर किया। लंबे वक्त से चर्चा थी कि सलमान इस सीजन के लिए कितनी फीस ले रहे हैं। इस सवाल का जवाब खुद सलमान ने ही दिया है, वो भी अपने ही स्टाइल में। But I have to tell you this year's rumored amount. It is 1000 crores, okay? अगर मुझे ये मिल जाए ना तो मैं लाइफ में नहीं काम करूँ। लाइफ में नहीं काम करूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मिलेगा। 1000 नहीं तो चलो 999। अरे कुछ नहीं ऐसा, उसका 1/4 नहीं है। I don't ये होता है ना ये जो बड़ा चढ़ा के जो आप लोग जो फिगर्स निकालते हैं और फैंस निकालते हैं के हजार करोड़ भाई, ये इनकम टैक्स और ईडीबी नोटिस करता है। 16वां सीजन कई मायनों में हटके होने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव जो इस साल हुआ है वो है वीकेंड के वार का। हर साल सलमान शनिवार और रविवार वीकेंड का वार स्पेशल लेकर आते थे, लेकिन इस साल सलमान शनिवार रविवार की बजाय शुक्रवार और शनिवार को आएंगे और कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगे। तो सलमान, आपका योगदान हमेशा की तरह कायम रहेगा और हर फ्राइडे और सैटरडे दर्शक आपको अपने पूरे जोश में देख पाएंगे। फ्राइडे सैटरडे नहीं, बिग बॉस सैटरडे संडे। नहीं सलमान, नहीं, इस बार आपका वार होगा हर शुक्रवार और शनिवार को। ओह रियली? इस बार कंटेस्टेंट्स को खेल खिलाने वाले बिग बॉस खुद भी खेल खेलने वाले हैं। सभी के दिल में सवाल है कि ये चमत्कार कैसे होगा। तो इस सवाल का जवाब भी बिग बॉस ने ग्रैंड लॉन्च में ही दे दिया है। साक्षात नहीं, ये तो नामुमकिन है। सलमान, इस बार मैं इन घरवालों को ऐसे भगाऊंगा कि इनकी हवा भी निकल जाएगी और दम भी। माय गॉड, मैं 24/7 इस बात का ख्याल रखूंगा कि ये घर वाले किसी भी बात में पीछे ना रह जाए। जो भी होगा इतना तेज होगा कि किसी को सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इस रेस में फुल पेस होगी।
हर साल खबर आती है कि इस बार सलमान बिग बॉस शो होस्ट नहीं करेंगे। हालांकि जब गौहर ने इसके बारे में सलमान से सवाल किया तो सुनिए जनाब ने क्या जवाब दिया। कभी कभी मैं इनसे इरिटेट हो जाता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन फिर इनके पास चॉइस क्या बचा, तो दैट इज माय मजबूरन। इनके भी बस में हो, इनके हाथ में हो, तो ये कभी मेरे पास आए नहीं। अब तक बिग बॉस सिर्फ अपने कंटेस्टेंट्स को ही रोस्ट करते आ रहे थे, लेकिन इस बार तो बिग बॉस के प्रहार से मीडिया रिपोर्टर्स भी बच नहीं पाए। रिपोर्टर्स के साथ भी बिग बॉस ने कन्फेशन वाला गेम खेला और रिपोर्टर्स को भी रोस्ट कर डाला। अब शो का ट्रेलर ऐसा है तो जरा सोचिए इस बार सीजन कितना धमाकेदार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।